हेलो साथियों, नमस्कार। मैं राजेश। दोस्तों, आप सभी का वो महीनों का इंतज़ार ख़त्म हुआ जिसका आप लोग बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, आरओएआरओ प्रीलिम्स 2023 के लिए। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कल क्लियर कर दिया कि हम इसका एग्ज़ाम कब लेंगे, कैसे लेंगे। पूरा इसके बारे में आप लोगों को डिटेल जानकारी बताता हूँ। तो मेरे भाई, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपना आरओएआरओ के लिए जो भर्ती थी, ये आरओएआरओ प्रीलिम्स 2023 के लिए ये कल क्लियर हो गया। ये मेरे भाई 411 पदों की भर्ती होगी। इसके पहले जो अधिसूचना जारी हुई थी मेरे भाई, इसमें कहा गया था कि 181 पदों की भर्ती की बात की गई थी, लेकिन अभी जो नया जो अपडेट आया है इसका, इसमें बताया गया कि हाँ, इसमें लगभग ढाई गुना वृद्धि करके इस पदों की जो है आरओएआरओ में 411 पदों की भर्ती होगी आरओएआरओ प्रीलिम्स 2023 वाले में। तो आप सबके लिए एक बहुत बड़ा बेहतरीन मौका है मेरे भाई। जो लोग भी इसके लिए इस साल एलिजिबल हैं, तो आप सबके लिए बहुत बड़ा बेहतरीन है। आप लोग इसके लिए कमर कस लीजिए, कमर की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। इतनी बड़ी भर्ती है, 100-150 भर्ती आती थी, कहाँ इतना बड़ा हो गया। तो इससे यह साबित होता है कि इससे ज़्यादा लोगों के लिए मौका मिल गया। तो आप सबके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है। इसमें ज़्यादा कुछ आता नहीं है, अभी इसके बारे में पूरा डिटेल बताएंगे। तो अभी तो ये 2 साल बाद आई है, अब इसके बाद ये कब आए किसी को भरोसा नहीं मेरे भाई, क्योंकि यह सन 2021 में आई थी। ये मेरे भाई आरओएआरओ का जो एग्ज़ाम हुआ है, यह सन 2021 में आया था। 354 पदों की भर्ती थी, जिनमें से 350 का चयन हुआ था। तो ये आप लोग को मतलब ये पता होगा, सन 2021 में इतना आया था और सन 2023 में इतना बढ़ गया है, जबकि इसके पहले खबर आ रही थी कि ये 181 के लिए होगा। तो आप सबके लिए बेहतरीन मौका। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है, अगर आप लोग थोड़ी सी लगन करके, थोड़ी सी स्ट्रेटजी अपना के अगर इसमें लग जाएंगे तो आपका हो जाएगा इसमें। क्योंकि मेरे भाई आरओएआरओ में ज़्यादा कुछ होता नहीं है। आप लोगों को इसमें बता दें कि देखिए, इसमें 2 पेपर होते हैं, थोड़ा सा इसकी जानकारी बता दें तो आगे इसके बारे में मैं और डिटेल अच्छे से बताता हूँ कि हाँ, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए, इसमें 2 पेपर होते हैं मेरे भाई आरओएआरओ में। पहला जो होता है वो जीएस का होता है मेरे भाई। जीएस में कुल 140 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करेंट अफेयर इत्यादि जैसे सब्जेक्ट होते हैं। ये 140 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें जीएस में। और जो सेकंड मीटिंग में सेकंड पेपर होता है मेरे भाई, वो हिंदी का होता है। हिंदी का होता है ये, और हिंदी में मेरे भाई 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 60 क्वेश्चन होता है हिंदी का, 6 टॉपिक रहता है। आप लोग देखे होंगे सिलेबस में हिंदी के, ज़्यादा कुछ हिंदी में नहीं है, वही पर्यायवाची शब्द, विलोम और प्रत्येक अनेक शब्दों का एक शब्द, यही सब 6 टॉपिक केवल रहते हैं। इन्हीं 6 टॉपिक में से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 60 क्वेश्चन पूछा जाता है। और मिला के मेरे भाई ये 200 क्वेश्चन कुल हो जाते हैं। और 200 क्वेश्चन में जो जिस बच्चे का 130 के आस प्लस थोड़ा पार कर गया, 130 के प्लस के आसपास इसकी मतलब 130 प्लस ही इसका जो है कट ऑफ रहता है। तो आप सब इतना उम्मीद बांध लीजिए, हाँ, आप सबको हिंदी में, अगर जीएस में आप 70-75-80 पार कर जाते हैं, हिंदी में आप लोगों को ज़्यादा इसमें देखना होगा ध्यान। हिंदी में आपको 50 से प्लस ला देंगे तो आपका जो है आप सिलेक्शन के नज़दीक रहेंगे। तो ये हुआ मेरे भाई। अब हम बताते हैं इसके बारे में, जो इस साल फॉर्म भरा जा रहा है UPSC आरओएआरओ प्रीलिम्स 2023 के लिए, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए मेरे भाई, ये 21 साल से 40 साल के एज के लोग भर सकते हैं, और इसके लिए कम से कम जो है उसके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, तो वह इसके लिए भर सकता है वो व्यक्ति। और इसका जो फीस रखी गई है मेरे भाई, ये जनरल और ओबीसी के लिए इसकी फीस है ₹125, और कह सकते हैं एससी एसटी के लिए इसका ₹95 फीस है, और जो विकलांग कैटेगरी के लोग हैं इनकी फीस जो है ₹25 है। तो आप सबके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है जो इसके लिए इस साल एलिजिबल हैं। तो आप सबके लिए शायद ऐसा मौका अब जल्दी जल्दी नहीं मिलता है, क्योंकि चुनाव हो जाएगा, सरकारें जो है चुनाव हो जाता है तो सब कुछ ठंडा पड़ जाता है, उसके बाद सब लोग थोड़ा रेस्ट में आ जाते हैं, तो आपका एग्ज़ाम भी रेस्ट में आ जाएगा। आप सब लोग कमर कस लीजिए और पूरा जी जान से लग जाएंगे अगर, तो शायद जो है इसमें जो है बहुत बड़ा कंपटीशन नहीं होता है इसमें। इसमें सरल फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोग अगर मेहनत करेंगे तो आपका हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो ये हम सब के लिए एक सुनहरा अवसर है। हम लोग आपदा में अवसर अगर ढूंढने का प्रयास करें तो मिल ही जाएगा मोदी जी की तरह, क्योंकि मोदी जी भी कहते हैं, या होता भी है हमारे लाइफ में ऐसा, कि हम लोग जब भी हम लोगों के पास आपदा आती है तो हम लोग आपदा को अगर एक आपदा की तरह लेंगे तो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब भी हम लोगों के ऊपर आपदा है तो आपदा से लड़कर हम लोग उस आपदा में अवसर ढूंढने का प्रयास करेंगे तो हम सबके लिए बेहतर होगा।
तो साथियों ये हुआ इस साल आर ओ ए आर ओ प्रीलिम 2023 के लिए, जो हम सबके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है जो भी स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये रही मैं कुछ इसके लिए जानकारी। और हाँ, ये जो फॉर्म भरा जाएगा आर ओ ए आर ओ का, ये मेरे भाई 9 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर तक ये भरा जाएगा, इसका डेट है। तो इसके बीच में आप सबको भरना है, और इसी यही इसका लास्ट डेट है 9 अक्टूबर से, यानी आज इसका शुरू हो रहा है 9 अक्टूबर से, और 9 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, 9 नवंबर तक भरा जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए नमस्कार।